Hello, all the viewers, all the students. So, welcome to the YouTube channel. और ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है. ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम शिवांशु पंडा है और मैं फिजिक्स का एक टीचर हूँ. तो यहाँ पे इस चैनल में आगे जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सब क्लास 11th और 12th फिजिक्स के होंगे, स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं. ओके, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, ठीक है. तो 11, 12 फिजिक्स इन डिटेल्स में यहाँ पे हमें डिस्कस करना है. ओके, तो 11 का आज शुरू करने जा रहे हैं और 12 का भी पहले चैप्टर से अगले वीडियो में आएगा. ओके, सो यहाँ पे हम शुरू करेंगे 11 का फर्स्ट चैप्टर. आप लोग बुक में शायद देखे भी होंगे, फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड. ओके, दिस इज द इंट्रोडक्टरी चैप्टर. ओके, यहाँ पर हम फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ जानते हैं फिजिक्स के बारे में और कि फिजिक्स है क्या और आगे चलकर हमें फिजिक्स में क्या पढ़ना है. ओके, तो यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड में अगर हम एग्जाम पॉइंट से सोचें तो उतने क्वेश्चंस नहीं आते. आते भी हैं तो एक या दो मार्क आएगा या नहीं भी आएगा, ठीक है. पर हमें जानना है ये इंट्रोडक्शन फिजिक्स के बारे में, ताकि हमें एक फील आए, हमको समझे फिजिक्स है क्या, ताकि आगे बाकी के चैप्टर्स हम पढ़ पाए इंटरेस्ट के साथ, ठीक है. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड. तो सबसे पहले इसमें हमें क्या जानना है कि फिजिक्स के बारे में जानने से पहले जो हमारा स्ट्रीम है, ओके, उसको पहले जानते हैं. पहले जानते हैं कि साइंस क्या होता है. हम तो ये स्ट्रीम चूज कर दिए हैं. ओके, तो साइंस क्या होता है. अब साइंस, इस वर्ड को, साइंस को हमें डिफाइन करना है. तो पहले एक फैक्ट हमें जान लेना चाहिए कि साइंस को डिफाइन करने का कोई सिंगल वे नहीं होता. हम डिफरेंट बुक्स में भी देख सकते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट फिलोसोफर्स अपने अपने अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं. ओके, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी रॉन्ग है, सब अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं. तो कोई सिंगल वे में हम साइंस को डिफाइन नहीं कर सकते, पर हमें डिफाइन तो करना है. ओके, तो जो सबसे सिंपलर वे है उसी के हिसाब से यहाँ पे उसको डिफाइन करने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है. तो इस वर्ड के अकॉर्डिंग ही इसको हम डिफाइन करेंगे. तो हमें पहले इस वर्ड के बारे में जानना चाहिए. ये जो वर्ड साइंस है, ये डेराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड से, और वो वर्ड है साइंसिया. ओके, वो वर्ड है साइंसिया. तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ये तो इंग्लिश में लिखा है. ओके, तो ये इंग्लिश अल्फाबेट में हम साइंसिया को लिखे हैं. एक्चुअली लैटिन अल्फाबेट में क्या रहता है, ओके, वो तो हमें अभी नहीं मालूम, पर वहां पे जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, दैट इज साइंसिया. ओके, सो इट हैज ए लिटरल मीनिंग आल्सो. ओके, एंड द लिटरल मीनिंग इज टू नो, दिस इज द मीनिंग ऑफ साइंसिया. ओके, सो वी कैन डिफाइन साइंस नाउ. हाउ? साइंस इज द नॉलेज. ओके, यू कैन डिफाइन लाइक दिस. साइंस इज द नॉलेज विच ह्यूमन गेन्स थ्रू टू थिंग्स. वन इज ऑब्जर्वेशन एंड अनदर वन इज एक्सपेरिमेंट. ओके, दिस टू थिंग्स, वन इज थ्रू ऑब्जर्वेशन देन एक्सपेरिमेंट, और वहां से जो भी रिजल्ट मिले उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हमें उसको दिखाना है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में. ओके, तो जो भी मिलेगा हमें एज ए होल, उसको हम यहाँ पे साइंस बोल सकते हैं, ठीक है, इसी वर्ड के अकॉर्डिंग. ओके, साइंसिया का मीनिंग टू नो है, दैट मीन्स कुछ जानना, कुछ नॉलेज गेन करना. पर साइंस को डिफाइन करने के लिए हमें इसका यूज करना ही पड़ेगा. ओके, वी हैव टू यूज दिस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, इसके थ्रू ही जो नॉलेज गेन होगा, वी हैव टू अरेंज देम इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर. उसके बाद जो भी हमें मिला हम उसको साइंस बोल सकते हैं. ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन साइंस. ओके, तो हमें साइंस में जानने के लिए, साइंस में हमें कुछ नया जानने के लिए क्या चाहिए. ओके, जैसे जितने सारे साइंटिस्ट हैं, इतने सारे थ्योरी हर अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग फील्ड में डिस्कवर हो चुके हैं. कैसे डिस्कवर हुए? ओके, तो सबसे पहले नेसेसरी क्या होता है कि अगर कोई साइंस में कुछ नया देना चाहे, ओके, देन ही और सी नीड्स सम क्यूरियोसिटी फर्स्ट. ओके, सिंपल सी बात है, कुछ जानने के लिए अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड, कुछ जानने के लिए थोड़ा क्यूरियोसिटी उसके पास होना चाहिए. ओके, और जितने कॉम्प्लेक्स थिंग अपने अराउंड वो देख रहा है,
जितने हैपनिंग, जितने फेनोमेना कॉम्प्लेक्स हुए में वो देख रहा है, उस सबको उसे अनरेवलिंग करना होगा। अनरेवलिंग मीन्स जितने भी कॉम्प्लेक्स थिंग्स वो देख रहा है उसको कितना सिंपलर वे में वो समझ सके, उसके लिए वो ट्राई करना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप होता है कुछ भी नया साइंस में डिस्कवर करने के लिए, उसके पास पहले क्यूरियोसिटी रहना चाहिए अबाउट द वर्ल्ड और जितने भी फैक्ट्स हैं अपने अराउंड नेचर में सबको अनरेवल करना चाहिए, सबको कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप होता है साइंस के लिए। ओके, और साइंस में जितने भी थ्योरीज दिए जाते हैं रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक, हम कभी नहीं बोल सकते कि दिस इज द एंड। ओके, इसके बाद और कुछ नया नहीं आएगा, ऐसा हम कभी भी नहीं बोल सकते। ओके, इसलिए हम एक वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, साइंस इज एवर डायनामिक बोलते हैं। ओके, कोई भी थ्योरी दिया जाए दैट इज नॉट द एंड, हो सकता है आगे चल के मॉडिफिकेशन हो, कुछ नया आए। ओके, तो उसे स्टडी करने का थोड़ा सा अलग वे मिल जाए हमें, ठीक है। तो साइंस इज एवर डायनामिक। तो ये कुछ सिंपल सी बातें हैं साइंस के बारे में, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और भी कुछ डेफिनेशंस वगैरह या कुछ इंटरेस्टिंग बातें वहां पे भी होगा। ओके, तो अब अपने सब्जेक्ट में आते हैं। ये तो हम डिफाइन कर दिए साइंस को, ठीक है। नेक्स्ट कम टू फिजिक्स, आवर सब्जेक्ट फिजिक्स। ओके, अब इसको भी डिफाइन करते हैं। फिजिक्स ये जो वर्ड है ये आया है एक ग्रीक वर्ड से। ओके, जैसे साइंस लैटिन वर्ड से आया था, ये आया है ग्रीक वर्ड से, और उस ग्रीक वर्ड का नाम है फ्यूसिस। ओके, दिस इज द ग्रीक वर्ड फ्रॉम विच फिजिक्स दिस वर्ड इज डेराइव्ड, और इसका एक लिटरल मीनिंग है दैट इज नेचर। ओके, फ्यूसिस का मीनिंग होता है नेचर। तो हम यहाँ पे सिंपल वे में ऐसा भी नहीं बोल सकते कि फिजिक्स का मीनिंग होता है नेचर, ऐसे हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसको भी डिफाइन करने के लिए बहुत ही अच्छा सा तरीका है पर इसको यूज करके, ठीक है। तो फिजिक्स है क्या? पहली बात तो ये साइंस का एक ब्रांच है, ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर। हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना पढ़ते हैं। ओके, बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना के बारे में आप लोगों को पता है, लाइक दिन और रात होना, डे नाइट, रेनफॉल होना, हम देख रहे हैं किसी का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, हम देख रहे हैं कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, कोई रेस्ट में है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फेनोमेना, लॉट्स ऑफ फेनोमेना अपने अराउंड हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो उन सभी के बारे में स्टडी करना, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट, इन सभी फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे लॉज हैं फिजिक्स में, ठीक है, उन लॉ के बारे में भी पढ़ना है। और बहुत सारे लॉ, कुछ ना कुछ लॉ तुम लोग अपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, यहाँ पे हर एक चैप्टर में अलग अलग लॉ आएगा, उसको फिर देखना है वहां पे, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन डिफाइन फिजिक्स। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर, नेचुरल फेनोमेना एंड डिफरेंट लॉज ऑफ नेचर बाय विच वी कैन एक्सप्लेन दिस फेनोमेना। ओके, सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन फिजिक्स। ओके, तो यहाँ पे फिजिक्स के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं कि फिजिक्स में एक्चुअली में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टू थिंग्स, उनको हम ऐसे नाम देते हैं टू प्रिंसिपल थ्रस्ट बोलते हैं उनको, ठीक है, टू प्रिंसिपल थ्रस्ट। वो क्या है? दो टू है, एक टू होता है यूनिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफाई करना, ठीक है, यूनिफिकेशन। दूसरा होता है रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म। ओके, दोनों को समझते हैं, ऐसा है क्या? प्रिंसिपल थ्रस्ट बोल दिए इन दोनों को, ठीक है। तो यूनिफिकेशन क्या है, एग्जांपल से ही समझते हैं। ओके, अपने अगर लोअर क्लासेस में जो पढ़े हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे सोचते हैं, क्लास नाइन्थ में शायद ये पढ़े हैं, उससे पहले भी पढ़े रहते हैं, अबाउट ग्रेविटेशन। ओके, पढ़े हैं ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में एक लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, उस लॉ को यूज करके, ग्रेविटेशन के थ्योरी को यूज करके हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? किसी भी बॉडी का फ्री फॉल होना अर्थ की तरफ, अर्थ का सन के अराउंड रिवॉल्व करना, मून और डिफरेंट सैटेलाइट्स का किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फेनोमेना हम सिर्फ एक ग्रेविटेशन के लॉ को यूज करके स्टडी कर सकते हैं। ओके, वो होता है यूनिफिकेशन, यूनिफाई करना,
एक लॉ और उसके साथ बहुत सारे फेनोमेना डिस्कवर, उसको एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन कर पाना, उसको हम बोलेंगे यूनिफिकेशन। ये तो बस एक एग्जांपल है, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, और हम एग्जांपल पे ले सकते हैं मैक्सवेल, एक साइंटिस्ट का नाम है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, वो अपने कुछ इक्वेशंस दिए हैं, चार इक्वेशंस दिए हैं, चार इक्वेशंस से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा का पूरा कवर कर देते हैं, वो भी एक टाइप का यूनिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये यूनिफिकेशन हो गया, मतलब एक या एक लॉ से, एक कंसेप्ट से बहुत सारे फेनोमेना को एक्सप्लेन करना, दैट इज यूनिफाई करना, यूनिफिकेशन, ये एक थ्रस्ट है। दूसरा है रिडक्शनिज्म, इसके लिए भी पहले एग्जांपल का यूज करते हैं, आगे चल के एक चैप्टर हमें पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनामिक्स, ये एक चैप्टर होता है, एक ब्रांच फिजिक्स का, सो थर्मोडायनामिक्स में क्या करते हैं, किसी एक गैसियस सिस्टम का वहां पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर किसी गैसियस सिस्टम के पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वो जो गैस है उसका वॉल्यूम पता रहना चाहिए, कितने टेम्परेचर में है पता रहना चाहिए, कितना प्रेशर है पता रहना चाहिए, ठीक है, कितना इंटरनल एनर्जी है वो पता रहना चाहिए, ऐसे बहुत सारे, तो ये सब उसके सिंपलर पार्ट्स को लेके, इन सब को यूज करके हम उसके थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम के, एक सिस्टम के बारे में एक स्टडी के लिए उसके सिंपलर सिंपलर पार्ट्स को यूज करना, दैट इज रिडक्शनिज्म, समझ में आ रहा है, दिस इज रिडक्शनिज्म, दिस इज यूनिफिकेशन, टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, अच्छा, तो ये फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब और आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें यहां पे जानते हैं। अब हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि हमें पता चलेगा कि आगे चल के दो साल में फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत आइडिया शायद मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पे हमें जो टॉपिक पढ़ना है, दैट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स, द स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है, क्या क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो इसको हम पहले टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू मेन डोमेन में ऐसे बोलते हैं, एक तो हो गया मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, और एक तो होता है माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मींस लार्ज, माइक्रोस्कोपिक मींस वेरी स्मॉल, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक इस पार्ट में हमें फिजिक्स में जो भी स्कोप मिलेगा, जो भी हमें पढ़ना है, फिजिक्स के जो जो भी ब्रांचेस हैं, वहां पे हम स्टडी करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, सिस्टम के बारे में, जिसका डेफिनाइट साइज होगा। कि डेफिनाइट साइज क्या होता है, दैट मींस हम कुछ इमेजिन कर सकते हैं, कुछ मेजरमेंट ले सकते हैं सिंपलर कोई साइज का, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, दिस इज डेफिनाइट साइज, तो वहां पे डिफरेंट, इसमें जितने स्टडी हुए हैं, जितने भी ब्रांचेस निकल के आए हैं, ठीक है, वो जनरली 1900 के पहले आए हैं, इसीलिए इसमें जो भी आता है स्टडीज, जितने भी ब्रांचेस, उनको हम इंक्लूड करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहां पे अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस, जैसे कि एक तो होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक तो होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, फिर एक तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, और एक तो होता है थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स एक तो होगा, और एक तो होता है ऑप्टिक्स, इसको भी यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये चार अलग अलग सब ब्रांच है किसका, क्लासिकल फिजिक्स का, और ये सब मैक्रोस्कोपिक में आता है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, थोड़ा सा बस इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब मेनली किसी बॉडी के मोशन के ऊपर हम स्टडी करते हैं, वो आएगा इलेवेंथ में ही, पहले पहले कुछ चैप्टर्स ऐसे आते हैं, सब क्लासिकल मैकेनिक्स में ही इंक्लूड होते हैं। वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है न्यूटन्स लॉ का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो तीन तो पढ़े भी हो, उसको फिर से पढ़ना भी है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। इसलिए इसको अदर वर्ड्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, डिफरेंट बुक्स में भी दिया रहता है, ठीक है। वो एक ब्रांच हो गया मैकेनिक्स। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये एक बड़ा सा ब्रांच है, और इसको तुम लोग पढ़ोगे 12th क्लास में,
ठीक है, इसमें दो चीज इंक्लूड है, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी, करंट, चार्जेस, ये सब वहां पे पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें वहां पे पढ़ना है। ये भी क्लासिकल फिजिक्स में आता है। थर्मोडायनेमिक्स ये 11th में ही आएगा। मैं बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे गैसीय सिस्टम लिया जाता है, ठीक है, हीट सप्लाई, टेम्परेचर, ऐसे ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे वर्ड्स आते हैं, ठीक है, उसको वहां पे पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में। और ऑप्टिक्स होता है लाइट और लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो ऑप्टिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स में भी रखते हैं, पर ऑप्टिक्स में कुछ एडवांस लेवल की भी स्टडीज हैं, कुछ वहां पे भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो पढ़ते टाइम आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्लासिकल फिजिक्स के कुछ ब्रांचेस हो गए, मैक्रोस्कोपिक में इसको लेते हैं। अच्छा, अब माइक्रोस्कोपिक में आते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब स्मॉल, वेरी स्मॉल साइज। यहां पर हमें ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम डील करेंगे वो डेफिनेट साइज का नहीं होगा। यहां पे जितने स्टडीज हैं, जब हम छोटे पार्टिकल के लेवल तक जाए जिसको हम बिल्कुल देख ही नहीं सकते, पर उसका स्टडी करना है हमें, तो ये सब वहां पे अप्लाई पूरी तरह से नहीं हो सकता। ये सब क्लासिकल फिजिक्स में है, ठीक है। तो पार्टिकल तक हम जाएंगे, वेरी माइन्यूट स्केल तक जाएंगे, तो वहां पे हमें यूज करना रहता है मॉडर्न फिजिक्स। वो होता है माइक्रोस्कोपी में, वो आता है मॉडर्न फिजिक्स, ओके। और उसको अदर वर्ड्स में जनरली वो टर्म यूज होता है, क्वांटम फिजिक्स भी उसको कहते हैं, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। पार्टिकल लेवल तक पढ़ना है, उसके मोशन के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, और ये एडवांस्ड वन है, इससे और एडवांस अब तक नहीं निकला है, मोस्ट सक्सेसफुल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और जितना हम बॉडी के अंदर जाएं, पार्टिकल लेवल तक जाएं, हमारा स्टडी और एडवांस होता है और बढ़ता हुआ जाता है, ज्यादा से ज्यादा होता है, ठीक है। तो वैसे उसको स्टडी किया गया है पार्टिकल लेवल तक, जो कि क्वांटम फिजिक्स में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कोप हैं फिजिक्स के, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इंट्रोडक्शन क्लास में हमें जान लेना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जान लेते हैं, टॉपिक है तुम लोगों का फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर में हर एक फिजिकल फेनोमेना को गवर्न करने के लिए, समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम चार ऐसे फोर्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो वो चार फोर्सेस क्या हैं? चार अलग अलग फोर्सेस। सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सेकंड में आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके। फोर्थ में आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ओके। ये चार फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बस जान लेते हैं इनके बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों को पता है, पहले कुछ ना कुछ आइडिया हमें मिल चुका है ऑलरेडी, ओके। दिस इज द फोर्स बिटवीन टू मासेस, ओके, ऐसे ही टाइप का कुछ शायद पढ़ते हो। M1, M2 दो मास है, दोनों के बीच में कुछ गैप है, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा काम करता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मास के बीच में वो रहता है, न्यूटन्स लॉ उसमें भी दिया गया है, ठीक है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, डिस्टेंस ज्यादा भी होने से भी ये काम करता है, ठीक है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स इसको हम बोलते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। फिर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स में यहां पे नहीं समझ पाएंगे। इसको जानने के लिए, इसके बारे में समझने के लिए हमें रेडियो एक्टिविटी एक टॉपिक है, उसके बारे में कुछ जानना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स इन जनरली हर जगह हमें देखने को नहीं मिलता। ये न्यूक्लियस लेवल में, न्यूक्लियस पता है एटम,
उसके अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस लेवल तक हम जाते हैं तो वहां पे कुछ शॉर्ट लाइफ पीरियड वाले कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मेजॉन्स है एग्जांपल्स, और भी एग्जांपल्स कुछ होते हैं, उसके बारे में स्टडीज जनरली हमारे लेवल में नहीं होता, ठीक है। तो वहां पे वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन दिखाई देता है उस पार्टिकल्स के बीच में, उसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वो रेडियो एक्टिविटी में ही मेनली हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में पढ़ना तो 12th में है, ओके। जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज होते हैं, पढ़े हो पिछले ईयर में 10th क्लास में था ये चार्ज करंट के बारे में। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। और चार्जेस के बीच में फोर्स रहता है, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स भी रहता है, किसके बीच में, ये भी पढ़े हो, वो रहता है पोल्स के बीच में, मैग्नेटिक पोल्स। क्या क्या होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है प्लस माइनस, यहां पे होता है नॉर्थ साउथ, उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स रहता है। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। ये तो जस्ट थोड़ा सा ही है इंट्रोडक्शन, इसके बारे में बहुत डिटेल्स में और सारे फेनोमेना उससे रिलेटेड और सारे प्रॉपर्टीज उससे रिलेटेड वो 12th क्लास में आएगा। तो जो फोर्स वहां पे इन कॉमन वहां पे हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चार्जेस वहां पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड वन है, और आखिरी में है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कहां पे होगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखो किसी भी मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मैटर से वो बना हो, हम ये पढ़ चुके हैं शायद पहले क्लासेस में कि मैटर है तो उसमें एटम्स होता है, एटम्स है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होता क्या है, ओके। कुछ ना कुछ आइडिया होगा, केमिस्ट्री में भी ये पढ़ते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को मिला के न्यूक्लियंस कहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, न्यूट्रॉन होता है चार्जलेस वाला, ओके। इन सभी को हम न्यूक्लियंस बोलते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियंस के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जो बाइंड करके उन लोगों को रखेगा उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। बाइंड करके कैसे रखता है, अब देखो प्रोटॉन है उसके साथ और एक तो प्रोटॉन होगा अंदर, अगर तो रिपल्सन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स रिपल्सन होना चाहिए। अगर सच में रिपल्सन हो गया देन द प्रॉब्लम विल बी न्यूक्लियस वश कर जाएगा, कोई एटम कोई मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। पर वहां पर रिपेल होता तो है ये फोर्स, पर इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि ये फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियंस के बीच में, ठीक है। तो अगर इन चारों फोर्स को हम इनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो सबसे वीकेस्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। वो लॉन्ग रेंज होता है, ठीक है। अच्छा ये शॉर्ट रेंज है, ये भी शॉर्ट रेंज है, ये भी शॉर्ट रेंज है, ओके। ये लॉन्ग रेंज है पर इतना लॉन्ग रेंज नहीं, ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट, उससे थोड़ा स्ट्रांग होगा दिस वन वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे थोड़ा स्ट्रांग होगा ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और वर्ल्ड में नेचर में सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। कुछ आइडिया मिला अबाउट द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ओके। तो फिजिक्स में ये इंट्रोडक्शन में इतना चीज हमें जानना है, कुछ वैल्यूएबल बातें भी जान लेते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक बार बताना, फिजिक्स तो पहले भी पढ़े हो, फॉर्मूले पढ़ते हो, मैथमेटिकल क्वेश्चंस करते हो, न्यूमेरिकल्स करते हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स का बहुत लिंक रहता है, बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स नहीं होता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है फिजिक्स मैथमेटिक्स के बीच में, ठीक है। सिर्फ इन दोनों के बीच में नहीं, फिजिक्स के साथ साइंस के हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ लिंक रहता है। साइंस के हर एक सब्जेक्ट आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं। हम कोई भी फेनोमेना पढ़ लें, कोई भी सिस्टम के बारे में स्टडी कर लें, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी हैपनिंग के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लें, हम उसी में ही कुछ फिजिक्स पाएंगे, कुछ केमिस्ट्री पाएंगे, कुछ बायोलॉजी पाएंगे,
ठीक है। तो साइंस के हर एक सब्जेक्ट में फिजिक्स सबके साथ रिलेटेड रहता है, ओके, एक वैल्यू बेस्ड बात है, हमें जानना चाहिए। और फिजिक्स टेक्नोलॉजी में, सोसाइटी में, डिफरेंट फील्ड में, हर जगह पे फिजिक्स का यूज है। बचपन से हम बहुत सारे यूजेस, बहुत सारे अलग अलग चीजें पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बुक्स में दिया रहता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट्स में, सब में डिटेल्स भी जाना उतना नेसेसरी नहीं है, आप लोग पढ़ के भी उसका क्या वैल्यू रखता है उसको जान सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर, ओके। इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट करके पढ़ लेना, कुछ आइडिया मिल ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा कोर्स ऑफ स्टडी होता है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गुड लक।